जय साईं राम। नमस्कार, मैं ब्रिजमोहन सूरी स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल में। आज हम बताने जा रहे हैं काले तिल के चमत्कारी गुप्त टोटके। ये ऐसे टोटके हैं जो पुरातन काल से चलते आ रहे हैं। शायद आपको नहीं पता है कि काले तिल राहु केतु शनि इन तीन ग्रहों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी तीनों ग्रहों को यदि हम कंट्रोल में रखना चाहें तो ये काले तिल एक खास महत्व रखते हैं, परंतु हमें जरूरत है इनके इस्तेमाल करने की, विधि आने की कि कैसे कब इसे इस्तेमाल करें। काले तिल को जल प्रवाह किया जा सकता है, काले तिल को जमीन में दबाया जा सकता है, काले तिल को शिव मंदिर शनि मंदिर में चढ़ाया जा सकता है, काले तिल को कीड़े मकोड़ों को डाला जा सकता है, परंतु चारों उपायों में अलग अलग फल मिलेगा। यदि हमें शनि राहु केतु बहुत परेशान कर रहे हैं, हम सेहत को लेकर बहुत परेशान हैं, सपोज कीजिए ऑपरेशन होने वाला है किसी व्यक्ति की, अकाल मृत्यु का डर है, तो आप काले तिल जल प्रवाह कर सकते हैं या काले तिल जमीन में दबा सकते हैं। आप पर बहुत कर्ज चढ़ा हुआ है, कर्ज उतर नहीं रहा है, पुलिस केस का डर है, बैंक आपके घर को कुर्क कर सकता है, तो आपको काले तिल जमीन में दबाने चाहिए। आर्थिक तंगी बहुत है, व्यापार नहीं चल रहा है, कर्ज लेने वाले तंग कर रहे हैं, तो काले तिल जमीन में दबाने चाहिए। यदि आपको लगता है कि शरीर का कोई अंग नकारा हो रहा है, बहुत परेशानी चल रही है, लड़ाई झगड़े होने का डर है, तो काले तिल जमीन में दबा दीजिए। अब यदि आपको ऐसा लगता है कि हम काले तिल का इस्तेमाल कोई ऐसा करें कि कोई भी परेशानी ना आए, ये तीनों ग्रह हमारे कंट्रोल में रहे, यानी कोई एक ऐसा उपाय जिससे कि सब कुछ कवर हो जाए और कोई नुकसान भी ना हो, जिसे हम बिना वजह भी कर सकें और खास वजह में भी कर सकें। हमारी यदि मकान की प्रॉब्लम है, हमारी आर्थिक तंगी है, हमारे कर्ज की प्रॉब्लम है, हमें कोई परेशानी है पैसे की, जमीन की, शारीरिक रूप से, घरेलू रूप से, नौकरी नहीं मिल रही, व्यापार डाउन जा रहा है, बच्चे नहीं पढ़ते हैं, घर में पैसा नहीं है, घर में लड़ाई झगड़े हैं, पति तलाक देने पर उतारू हैं, रोग बहुत ज्यादा है, ऑपरेशन हो सकता है, पुलिस पीछे पड़ी है, इन सब में कोई ऐसा उपाय कि हम समय समय पर बचते रहें, तो वह है काले सफेद तिल, गुड़, चीनी, आटा, इन पांच चीजों को कीड़े मकोड़ों को डाल। अब बहुत सारे लोग ये कह देते हैं कि कीड़े मकोड़े कहां से ढूंढें? सबसे पहले वृक्ष के इर्द गिर्द ढूंढिए, यदि वहां नहीं मिलते हैं आप डालेंगे तो आना शुरू हो जाएंगे, यदि आपको वहां नहीं मिलते हैं तो फिर आप पानी में भी बहा सकते हैं, वहां पर भी कीड़े मकोड़े खाएंगे, स्वच्छ जल नहीं है, गंदे जल में भी डाल सकते हैं, वहां भी कीड़े मकोड़े खाएंगे। तो इस प्रकार आप इन काले तिल से अपनी बहुत सारी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर दीजिए, क्योंकि आने वाले समय में हम बहुत सारी जानकारियां आपको देने वाले हैं, बहुत सारा ज्ञान आपको देने वाले हैं, ज्योतिष से संबंधित बहुत ज्ञान देने वाले हैं। और यदि आप मुझसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं, अपनी जन्म पत्री दिखाना चाहते हैं, तो आप कृपया व्हाट्सएप पर लिखें, फोन मत करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9814450802। नमस्कार, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए।